अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हसन और आप देख रहे हैं महान्स किचन काउंटर यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है मेडिटेरियन लैम चिकन स्टिक्स विद सैफ्रॉन राइस। रेसिपी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम जो स्टेप बाय स्टेप सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे वो आपको स्टेप सारे समझ में आ सकें और घर में आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी रेसिपी बना सकें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, सबसे पहले हम मेडिटेरियन लाइम चिकन बनाएंगे। उसकी मैरिनेशन के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लेंगे 2 tablespoons ऑफ लेमन जूस, देन उसमें ऐड करेंगे 1 tablespoons ऑफ मिक्स हर्ब्स, बहुत ईजली सुपर मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं ये। देन उसके बाद आप ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद आप ऐड करेंगे 1 tablespoons ऑफ क्रश ब्लैक पेपर। देन उसके बाद आप ऐड करेंगे इसमें 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 teaspoon ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ क्रश रेड चिलीज। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ ऑल स्पाइस पाउडर, जो कि गरम मसाला पाउडर होता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ सोया सॉस, और इन लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 tablespoons ऑफ योगर्ट। योगर्ट विदाउट क्रीम है, बलाई जो होती है ऊपर वो आपको नहीं डालनी है, विदाउट बलाई के लेना है। और इसमें पूरा ऐड कर देंगे। अब जो इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। सो गाइज, ये अच्छे से आप देख सकते हैं सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स हो गए योगर्ट में, और जो हमने मैरिनेशन बनाई है हमारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। देन हम अब इसमें मैंने लिया 1/2 kg चिकन क्यूब्स लिए मैंने बोनलेस, तो इसको ऐड करूँगा इसमें। आपको पता है जैसे मेडिटेरियन लाइम चिकन बनानी है हमें, गेस्टिक्स के अंदर जो चिकन बनती है उसी तरह होती है। चिकन जो हमने इसमें ऐड की है, अब इसका मैरिनेशन का जो मिक्सचर बनाया था उसमें अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे इसको। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है इसमें। अब इसको हम 15 minutes के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारे क्यूब्स और चिकन के वो जूसी हो जाएँ स्पाइस लगने के बाद और उसमें फ्लेवर आ जाए। जब तक हम अपने राइस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ, 1/2 kg मैंने राइस लिए हैं और उसको मैंने 30 minutes के लिए सोक करने के लिए रख दिया था बाउल में कि भीग जाए राइस। आधा घंटे के लिए मैंने भिगाने के लिए राइस को रख दिया था। अब जैसे ही ये भीग कर आधा घंटा हो चुका है, इसको मैंने पहले से रख दिया था, अब मैं इसको कुक करूँगा। सो व्यूवर्स, हमने यहाँ पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा पानी बॉयल आ जाएगा पानी पे, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ येलो कलर, और इसमें राइस डालकर हम अपने राइस बॉयल कर लेंगे। और 10 to 15 minutes में आप अपने राइस चेक कर लीजिएगा कि फुली कुक्ड हो जाए, फुल कुक होने चाहिए राइस। और ड्रेन कर आप राइस जैसे ही आपके कुक हो जाए ड्रेन कर आप निकाल लें बॉयल राइस को अपने, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आगे की प्रिपरेशन क्या है। सो व्यूवर्स, आफ्टर 15 minutes हमारे चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है। हमने यहाँ पर क्यूब्स ये कैप्सिकम ले ली हैं, इसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है जैसे स्टिक्स में लगते हैं, और हमारी अनियन भी क्यूब्स कट है। अब सबसे पहले हम अपने स्कीवर में जो हमने स्टिक लिए है इसमें हम चिकन डालेंगे, एक हम कैप्सिकम इसमें ऐड करेंगे, और फिर दोबारा चिकन की क्यूब्स इसमें लगा देंगे, और फिर एक हम इसमें अनियन ऐड करेंगे, और फिर दोबारा इसमें एक चिकन के क्यूब्स ऐड कर देंगे। इसी तरह पूरी स्टिक तैयार कर लेंगे हम अपनी। एक स्टिक में आप 5 मैंने आप ऐड यहाँ ऐड किए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें चिकन। इसी तरह हम दूसरी स्टिक लेंगे, उसके अंदर चिकन का क्यूब लगाएंगे, एक कैप्सिकम का क्यूब ऐड करेंगे, फिर चिकन का क्यूब दोबारा ऐड करेंगे इसमें दूसरा, फिर एक अनियन का क्यूब ऐड करेंगे, फिर दोबारा हम एक चिकन का क्यूब ऐड करेंगे, फिर कैप्सिकम का ऐड करेंगे। इसी तरह हम अपनी दूसरी स्टिक भी बनाएंगे, और बाकी जो स्टिक्स हैं वो भी हम इसी तरह बनाएंगे। सो व्यूवर्स, आपने देखा कि मैं स्टिक्स आपको मैंने लगाना सिखाया कि किस तरह क्यूब्स लगाएंगे, एक कैप्सिकम लगाएंगे, एक अनियन लगाएंगे। इसी तरह हमने अपनी सारे स्टिक जितना हमारे क्यूब्स हमने कट किए हुए थे, मैरिनेट किए थे चिकन क्यूब्स, वो मैंने रेडी कर लिए हैं यहाँ पर। अब इसको मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है अबाउट 2 tablespoons, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ऑयल को वार्म होने के लिए छोड़ दूँगा। अब हमारा ऑयल वार्म हो चुका है, देन हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्टिक्स और इसको फ्राई करेंगे। और हमने
ये दूसरे भी मैं ऐड कर देंगे। आपको स्टिक्स को 5-5 मिनट्स ईच साइड फ्राई करना है। सो वीवर्स, आप देख सकते हैं राइस की प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले अपने जो भी पैन होगा जिसमें राइस बना रहे हैं उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रॉन एसेंस। सेफ्रॉन एसेंस भी आपको बहुत ईजिली मार्केट से कहीं से भी मिल जाता है। देन हम अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ मिल्क। सो व्यूअर्स, इसमें सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली, इसको मिक्स कर लेंगे और इसके फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। राइस हमने जो बॉईल किए थे ये हम इसमें बबल्स आ गए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये। सारे अपने राइस अच्छे से ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने इसमें राइस ऐड कर दिया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून से अपने, ताकि हमने जो ऑयल मिल्क और एसेंस डाला है वो सारे राइस में अच्छे से एसेंस की स्मेल आ जाए। बहुत प्लेजेंट सी स्मेल होती है सेफ्रॉन की। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है ये। अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। सो व्यूवर्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं, इसको मैंने टर्न कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन फ्राई हुआ है हमारा चिकन। अब इस तरह आफ्टर 5 मिनट्स ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो जाएगा, फिर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। सो व्यूवर्स, मैंने ये डिश आउट कर लिया है। देख सकते हैं आप चिकन स्टिक्स भी कितनी यमी लग रही हैं और कितनी अच्छी टेम्पटिंग है बहुत, और राइस से भी हमारे बहुत अच्छी, जैसे कि मैंने आपको जब को रेडी हो गए थे राइस तो आपको बताया था कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है सेफ्रॉन एसेंस की। अब मैं इसमें ऊपर से स्प्रिंकल करूँगा सेफ्रॉन, बेसिकली ऑप्शनल है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर लें और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ना डालें। सो व्यूवर्स, आपने देखा कि आज की हमारी रेसिपी कितनी अच्छी, कितनी इजी, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी थी। तो आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बनी आपकी रेसिपी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आप हमारी नई आने वाली वीडियो कभी भी मिस नहीं कर सकते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।